गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लेवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। लेटरिन में ब्लड दिखाई देना इज नॉट अ वेरी अनकॉमन प्रॉब्लम। कभी कभी लेटरिन में ब्लड दिखाई देता है, ये बच्चों को भी दिखाई देता है, एडल्ट्स को भी दिखाई देता है, एंड एल्डरली पॉपुलेशन में ये प्रॉब्लम काफी कॉमन है। जब भी लेटरिन में ब्लड दिखाई देता है तो आपके सिर्फ ये आंसर करने से कि मुझे लेटरिन में ब्लड है, या आपके मन में ये सिर्फ जो एक क्वेश्चन आता है या डॉक्टर के पास आप जाते हैं कि मुझे लेटरिन में ब्लड आ रहा है, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। बहुत सारे दूसरे डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी जो डॉक्टर आपसे पूछेंगे, जिनके आंसर्स आपके पास होने चाहिए। तो इसलिए जब भी लेटरिन में ब्लड आता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस ब्लड को ध्यान से देखें, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप ध्यान दें ताकि वो क्वेश्चंस जब पूछे जा सकें तो आपका उनको आंसर आना चाहिए। नंबर वन, जो ब्लडी डायरिया है इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। इसे जो ब्लड में आता है लेटरिन में, इसे रेक्टल ब्लीडिंग भी कहते हैं। जहां तक रेक्टल ब्लीडिंग का सवाल है, ये सही बात है कि बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस के चलते हो सकती है। ये जो मेडिकल कंडीशंस हैं, ये साधारण हो सकती हैं या जिन्हें बिनाइन कहते हैं, बट कुछ काफी खतरनाक हो सकती हैं या अलार्मिंग हो सकती हैं। इसलिए जब भी लेटरिन में ब्लड आता है उसको नजरअंदाज करने की आपको कोई सलाह नहीं दी जा सकती। नाउ, जब भी ब्लड आता है तो आपको किन चीजों पर ध्यान देना है? नंबर वन, सबसे पहले आप देखिए कि जो ब्लड आ रहा है उसका रंग कैसा है। नंबर वन, क्या ये फ्रेश ब्लड है, एकदम ताजा खून है? क्या ये थोड़ा सा मैरून कलर का है या डार्क ब्राउन है? क्या ये वास्तव में ब्लैक है, जेट ब्लैक जैसे बालों का कलर होता है, या कि कोल्टार का कलर होता है? नंबर चार, आपको ध्यान से देखना है कि आपका जो ब्लड आ रहा है वो ड्रॉप्स में है, एक आध चम्मच है, या कि क्लॉट्स में आ रहा है, बड़े बड़े खून के थक्के आ रहे हैं। तो आपको कलर ऑफ द ब्लड या जो ब्लड का कलर आ रहा है उस पर सबसे पहले ध्यान देना है। इसके बाद आपको देखना है कि आपकी लेटरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है। जैसे आप पहले एक बार जाते थे, क्या आप दिन में पांच पांच छह छह बार जाने लगे? क्या आप सिर्फ सवेरे जाते थे, अब आप दिन में भी जाते हैं, रात में भी जाने लगे? तो लेटरिन की जो फ्रीक्वेंसी है उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, दैट्स नंबर टू। इसके बाद आप देखिए कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द स्टूल। आपकी जो लेटरिन है, क्या पहले की तुलना में बहुत हार्ड हो गई, क्या पहले की तुलना में बहुत लूज हो गई, या लेटरिन वैसी ही है जैसी आपको सामान्यतः जाती थी? इन तीनों का आंसर आपके पास में तैयार होना चाहिए। नाउ, जो ब्लड आता है वो कब आता है? क्या आप लेटरिन जाते हैं उसके पहले ब्लड आता है, या जब आप लेटरिन कर चुकते हैं उसके बाद ब्लड आता है, या जो ब्लड आता है वो पूरी की पूरी लेटरिन में मिक्स होके आता है? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या जो ब्लड आता है वो लेटरिन के सरफेस के ऊपर लगा हुआ आता है? ये जो चार क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर आपके पास में होना चाहिए। नाउ, अगर जो ना आफ्टर आता है या बिफोर आता है, इन द सेंस कि लेटरिन करने के पहले आता है ब्लड या लेटरिन करने के बाद आता है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये बूंद बूंद करके आता है या पिचकारी में आता है, जैसे जेट कहते हैं। तो ये जेट या पिचकारी में आ रहा है या ये ड्रॉप्स में आ रहा है? नाउ, आपको और भी ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आपको लेटरिन में ब्लड आ रहा है, क्या इसके साथ पेट में रुक रुक के मरोड़े वाला दर्द हो रहा है? क्या आपको लेटरिन का जो रास्ता है या एनल केनाल है उसमें दर्द हो रहा है? अगर लेटरिन के रास्ते या एनल केनाल में दर्द हो रहा है तो यह दर्द लेटरिन करने के दौरान होता है या लेटरिन करने के बाद भी काफी देर तक दर्द बना रहता है? कि आपने लेटरिन की उसके बाद एक घंटे तक दर्द इतना ज्यादा है कि आप कोई काम नहीं कर पाते, आपको बिस्तर में लेटना पड़ जाता है, यह एनल केनाल या लेटरिन के रास्ते में दर्द इतना ज्यादा है? इसके बाद आपको एसोसिएटेड सिम्टम्स देखने की जरूरत है। क्या आपको ब्लीडिंग इतनी हो गई है कि जिसके चलते खून की कमी हुई तो चलने फिरने में आपकी सीने की धड़कन बढ़ती है, सांस फूलती है, क्योंकि आपको एनीमिया डेवलप हो गया है? आपको देखने की जरूरत है कि इस पूरी प्रॉब्लम के साथ कहीं आपको फीवर तो नहीं आने लगा है, कि आपको बुखार आ रहा है? आपको यह भी देखने की जरूरत है कि लेटरिन में तो ब्लड आ ही रहा है, पेट में दर्द हो ही रहा है, उसके साथ उल्टियां, जिम चलाना, भूख, ये सब प्रॉब्लम्स तो नहीं खड़ी हो गई हैं? इसके बाद आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो लेटरिन आप करते हैं तो लेटरिन करने के दौरान आपका जो लेटरिन का रास्ता है उसमें से कोई चीज गांठ जैसी बाहर तो नहीं निकलती है? और अगर ये गांठ जैसी बाहर निकलती है तो जब आप लेटरिन कर चुकते हैं तो ये अपने आप ही अंदर चली जाती है या आपको पुश करनी पड़ती है? कभी कभी रेक्टल प्रोलैप्स या जो हेमराइड्स हैं या है वो इस तरह का बिहेव कर जाता है। तो इसलिए कोई भी चीज लेटरिन के रास्ते से बाहर निकल रही है उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। नाउ, एक बार पास्ट हिस्ट्री पर देखिए, ध्यान से आप पलट के देखिए, क्या इस तरह के एपिसोड जिसमें लेटरिन में ब्लड आया इसके पहले भी कभी हुआ? नंबर वन।
क्या कभी जो लैटरिन में इस तरह का ब्लड आया उसके लिए आपने डॉक्टर को दिखाया? इन आपकी लैटरिन के रास्ते से कोई जांच हुई जिसे कोलोनोस्कोपी कहते हैं? नंबर तीन, क्या किसी प्रॉब्लम के लिए आपकी जो इंटेस्टाइन है, चाहे वो लार्ज हो या स्मॉल हो, उसमें कोई किसी किस्म का ऑपरेशन हुआ? नंबर चार, आपको रिसेंटली कहीं कोई चोट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या ब्लड ट्रामा आपके पेट में तो नहीं हुआ? नंबर पांच, कभी आपको ब्लड में ब्लड की वॉमिटिंग तो नहीं हुई कि उल्टी में खून आया है? इन प्रश्नों के उत्तर भी आपके पास में होने चाहिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है, दैट इज मेडिकेशन। कहीं आप कोई दवाइयां इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं? मान लीजिए आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, आप इनकी दवाइयां तो नहीं लेते हैं? इनके साथ में ब्लड थिनिंग एजेंट या खून पतला करने वाली जो दवाइयां हैं, कहीं आप खून पतला करने वाली दवाइयां जैसे इकोस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रिल है, इस तरह की कोई मेडिसिंस आप यूज तो नहीं कर रहे हैं? इसके अलावा आपको अपने हैबिट्स को वॉच करने की जरूरत है कि आपका जो दिन भर का काम है वो सिटिंग जॉब तो नहीं है कि आप डेस्क पर और कुर्सी पर लगातार 8-10 घंटे बैठे रहते हैं, या आपकी जो लाइफस्टाइल है वो इतनी सीडेंटरी है कि उसमें कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है? नंबर तीन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ओवरवेट हैं, आपको ओबेसिटी है एंड आपका बीएमआई काफी ज्यादा है? इसके अलावा आपकी हैबिट्स में हम यह भी जानना चाहते हैं कि आपको रेगुलर लगातार लंबे समय से अल्कोहल लेने की आदत तो नहीं है, जिसे क्रॉनिक अल्कोहलिज्म कहा जाता है? इसके अलावा आपकी हैबिट्स कुछ ऐसी तो नहीं है कि अगर लैटरिन टाइट होती है तो आपको उंगली से लैटरिन निकालनी पड़ती है, जिसे कहते हैं डिजिटल एवेक्यूएशन ऑफ स्टूल? इसका मतलब यह है कि जब भी लैटरिन में ब्लड आता है, यह बात बिल्कुल सही है कि इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम, ये बात बिल्कुल सही है कि इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन की जरूरत है, ये बात बिल्कुल सही है कि आप डॉक्टर को जाके बताइए कि आपको लैटरिन में खून आया। लेकिन सिर्फ ये कहने से कि लैटरिन में खून आया आपकी जो प्रॉब्लम है या आपका जो एक कंसर्न है यहां पर खत्म नहीं हो जाता है। लैटरिन में जो ब्लड आया है उसके बारे में बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस ऐसे हैं जो सिर्फ आप ही अपने डॉक्टर को बता सकते हैं। तो अगर आप ये पूरे जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं इनका आंसर प्रॉपर आप डॉक्टर को देंगे तो उनके आधार पर डॉक्टर क्लिनिकली ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको जो ब्लड है उसका पॉसिबल सोर्स क्या है बिफोर एम्बार्किंग अपॉन द इन्वेस्टिगेशन एंड द ट्रीटमेंट। तो जांच और ट्रीटमेंट के पहले डॉक्टर को क्लिनिकली ये इवेल्युएशन करने में ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर जब आपके पास में होंगे तो काफी मदद मिलेगी। अगर जो लैटरिन में ब्लड आता है उसके ऊपर जो जानकारी है उसको समझने में आपको ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।